Hi guys, good morning. This is our second day in Dubai. बुर्ज खलीफा देखने के लिए और दुबई मॉल और फिश एक्वेरियम. आज हम ये तीन प्लेसेस विजिट करेंगे. रात को बहुत थक गए थे, मतलब सोए तब हम 2 बज गए थे और मैं तो 6 बजे उठ गई थी. तो मतलब यू कैन सी माई पफी आईज. बट टायर्डनेस को भगा के जो एक्साइटमेंट है उसको निकाल के और घूमना पड़ेगा. यस गाइज, तो वी आर रेडी. Yes. अच्छा, ये बात उसको बोलनी थी. ठीक है, सो चलो अभी चलते हैं और नीचे जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. आज ब्रेकफास्ट में क्या बना है, हमारा फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट का. मैं पाव भाजी, पैनकेक, एग्स और नूडल्स, चिकन सैंडविच और क्या है ये, केक. बुर्ज खलीफा जा रहे हैं हम. हमने बुर्ज खलीफा प्लस एक्वेरियम के टिकट्स, इवन हमने सारे टिकट्स जो है ऑनलाइन ऑलरेडी इंडिया से बुक करके गए थे, तो आप वहाँ जाकर भी टिकट्स ले सकते हैं और इंडिया से भी प्री बुकिंग ले सकते हैं. तो हमने सारे टिकट्स जो भी एक्टिविटीज़ है उनकी प्री टिकट बुकिंग करा के हम दुबई गए थे. तो डे टू में हमने बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और एक्वेरियम तीनों चीज़ों को कवर किया था, जिसमें हमें 2 आवर्स बुर्ज खलीफा में लगे थे और 2.5 आवर्स दुबई मॉल में लगा था और एक्वेरियम में हमें 1 to 2 आवर लगे थे. तो टोटल आपको इस टाइप का स्केड्यूल सेट करना होता है कि आपका पूरा दिन जो है वो इन तीनों चीज़ों में निकल जाएगा. उसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि हम फाउंटेन शो भी देख के चलते हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल कि आप होटल जाके वापस रेडी होके आ जाए, बिकॉज़ प्लेसेस बहुत दूर दूर है. तो हमने वहीं पर ही 1-2 घंटे मॉल में स्टे करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, हमने डिसाइड किया था कि हम अगेन फाउंटेन शो देख कर फिर हम होटल जाएंगे. अगर आप दुबई जाते हो तो लाइफ में बुर्ज खलीफा का एक्सपीरियंस लेना बहुत ही ज़रूरी है. मैं रिकमेंड भी करूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे जो लिफ्ट्स है, जो इसका आर्किटेक्ट बना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है और इतनी फास्ट लिफ्ट जाती है कि 1 मिनट से भी कम टाइम में आप 125th floor पे पहुँच जाते हो और टॉप का जो व्यू है वो बड़ा ही अमेजिंग है एंड बहुत ही सिस्टमेटिक सब कुछ है. तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना.
आई विल सजेस्ट यू नॉट टू बाई एनी थिंग फ्रॉम बुर्ज खलीफा, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ एक्सपेंसिव है. आप यही आइटम्स जो है आप बाहर से परचेज कर सकते हो, आपको बहुत अफोर्डेबल पड़ेगा. दुबई मॉल में, मतलब बेसमेंट में खड़े हैं जहाँ से बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल कनेक्टेड है. तो अब हम दुबई मॉल विजिट करेंगे. वैसे मैंने एक्सपीरियंस सुना है कि भाई साहब बहुत पैसे चाहिए दुबई मॉल विजिट करने के लिए. हमारे पास उतने तो नहीं है. एक फ़ोटो के लिए बताओ. हाँ, एक फ़ोटो के लिए 250 दिरहम इन बुर्ज खलीफा. मैंने कहा क्या, और वो भी एनिमेटेड लग रही थी, उससे बढ़िया तो मैं फ़ोटो डिज़ाइन कर लेती. तो यस, अब हम दुबई मॉल घूमेंगे, सिर्फ घूमेंगे, नो शॉपिंग. बहुत एक्सपेंसिव है. एक्सपेंसिव तो क्या, यहाँ पे एक से बढ़कर एक ब्रांड है, तो एक्सपेंसिव तो है ही. बट मैं सेफोरा ज़रूर जाऊँ. ठीक है, लेट्स विजिट दुबई मॉल. तो दुबई मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे मुझे सेफोरा मिल गया था. तो सेफोरा में बहुत सारे आइटम्स जो है वो इंडिया में आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं मोस्टली, और बहुत ही लिमिटेड मॉल्स और मेट्रो सिटीज़ में सेफोरा अवेलेबल है. सो आई डिसाइडेड टू परचेज सम मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेफोरा. तो मैंने यहाँ से 3 आइटम्स लिए थे, ज़्यादा कुछ शॉप नहीं किया था बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है. अगेन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो ही आप दुबई मॉल से कुछ परचेज करें, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी. खलीफा विज़िट करने के 20 to 30 मिनट्स बाद ही हम एक्वेरियम चले गए थे, और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है फॉर किड्स और एडल्ट्स. यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अगर आप दुबई जाते हो, बुर्ज खलीफा जाते हो, तो आप एक्वेरियम का टिकट ज़रूर परचेस करें. किड्स यहाँ पे बहुत इंजॉय भी करते हैं. कहाँ भाग रही है, इधर आ, ये वाला है सेम, आ जा, ओपन कर दिया उसको.
बच्चों के टॉयज के लिए मैं बात करूंगी, नॉट टू बाय एनी टॉयज फ्रॉम दुबई मॉल. सो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, बट हमें पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इस दुबई मॉल के अलावा भी टॉयज बाहर कहीं मिलेंगे. सो हमने इसको एक टॉय यहाँ से दिला दिया था और विच वॉज सो एक्सपेंसिव. और बाद में हमने बहुत सारे आइटम्स जो है नॉर्मल मॉल से परचेज करे थे जो हमें बहुत ही सस्ते पड़े थे. सो आई विल सजेस्ट यू कि नॉट टू बाय एनी टॉयज फॉर योर किड्स फ्रॉम दुबई मॉल. दुबई मॉल घूम लिया है और अब हमने डिसाइड किया कि हम घर जाएंगे. और मॉल में बाप रे इतने सारे ब्रांड्स हैं और हमें यहाँ लिटरली फील हो रहा था कि बहुत अमीर होना चाहिए, बहुत पैसे होने चाहिए. दुबई मॉल कंप्लीट विजिट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम 1 आवर और वेट कर लेते हैं. और 1 आवर के बाद यहाँ पे फाउंटेन शो स्टार्ट हो गया था, तो 7:30 यहाँ पे स्टार्ट होता है. फाउंटेन शो पूरा कंप्लीट देखने के बाद हमने डिसाइड किया था कि हम होटल जाएंगे. और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है. अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप दुबई जाओ तो ये दुबई मॉल प्लस फाउंटेन शो कभी भी मिस मत करें. Good night.